बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिराय सिंधिया गुरुवार को ग्वालियर दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी के मंडल सम्मेलन में हिस्सा लिया। सिंधिया ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने प्रदेश के साथ गद्दारी की है, उन्हें केवल तिजोरी और कुर्सी की चिंता थी। उन्होंने ग्वालियर चंबल के विकास के लिए एक कदम भी नहीं उठाया, इसे गद्दारी कहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 15 महीने सीएम रहे, विकास की बात तो छोड़ दीजिए, मैं तो आपसे पूछूंगा, क्या उनका चेहरा आपने एक दिन भी देखा ग्वालियर चंबल संभाग में? ग्वालियर की बात छोड़ दो आप, एक दिन भी उन्होंने देखा? और अगर वो कहते हैं कि ग्वालियर चंबल की जिम्मेदारी मेरी है, हजार बार दस्तक देने के बाद, योजनाओं लेने के बाद एक कदम जब नहीं उठाया गया, मैं तो कहूंगा कि जो गद्दारी की गई मध्य प्रदेश, केवल ग्वालियर चंबल के साथ नहीं, मध्य प्रदेश के साथ विकास और प्रगति के मामले में कुर्सी और तिजोरी, इन दोनों की ही चिंता कमलनाथ जी को रही थी और वो आज प्रचलित है। जब 5 महीने की सरकार में शिवराज सिंह जी ने ग्वालियर को भी, जो कहते थे ना कि पैसा नहीं है कमलनाथ जी, पूरी तिजोरी खोल के ग्वालियर के लिए भी और हर क्षेत्र के लिए, पूरे प्रदेश के लिए योजनाएं दी। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में जिनके यहाँ कार्य ले जाओ तो संभव कार्य भी असंभव हो जाता है, कल कमलनाथ, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास कार्य ले जाओ तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। कल कमलनाथ जी के काफिले पर हमला हुआ है, वो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी करवा रही है। देखिए, किसी प्रजातंत्र में किसी के भी काफिले पर हमला होना निंदाजनक है। मैं सदैव स्पष्टवादी इंसान हूँ, मैंने सदैव आप लोगों के साथ और जनता के साथ एक स्पष्ट रिश्ता रखा है। राजनीति में या प्रजातंत्र में हम लोग आमने सामने जरूर होते हैं, आप अपना पक्ष रख सकते हैं, कोई और अपना पक्ष रख सकता है, और वो पक्ष रहने का पूर्ण अधिकार दिया जाता है, पर राजनीति का भी एक स्तर होना चाहिए, मैं सदैव ये मानता हूँ और सदैव कहता हूँ। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में उपचुनाव का शंखनाद हो चुका है। 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। दरअसल उपचुनाव के लिहाज से ग्वालियर चंबल संभाग काफी अहम है। 16 सीटें इस इलाके से ही आती हैं और इन सीटों से जीत और हार का पासा पलट सकता है, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां लगातार चुनावी दौरा कर रही हैं। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट, एमपी तक।